एरिया में ये मोहल्ला लगता है महादेव नगर, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया गया है भारत जन कल्याण सेवा समिति द्वारा। उसके मुख्य कार्यकर्ता आधारशिला रखने वाले रॉकी जी मेरे साथ मौजूद हैं। रॉकी जी, सबसे पहले तो 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर, देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या उद्देश्य था आज इस कार्यक्रम को यहाँ स्थापित करने का? हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम को रखने के लिए बच्चों के अंदर जो जागरूकता नहीं है वो जागरूकता को पैदा करना के लिए, मतलब जागरूकता पैदा करने के लिए बच्चों को प्रसन्न करना है। हमने स्टेज पर आपके कार्यक्रम देखे, हम यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक हीरे को तराशने में कितना समय लगा होगा, कितना समय लगा होगा इन नन्हे मुन्ने बच्चों को तैयार करने में। एक बहुत पुराना हमारे बचपन का चित्र याद आता है, जो संस्कृति हुआ करती थी कि जब बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट के झलकती थी और वो खुशी पे आज मंच पे नाचते हैं, अलग अलग देशभक्ति गीतों पे थिरकते हैं। ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। क्या मैसेज है आज समाज के लिए आपका, क्या मैसेज है बच्चों के लिए आपका? बच्चों के लिए मैसेज यही है कि बेटियों, पहले सबसे मेरा मैसेज तो मेरा यही है बेटियों के लिए, जो बेटियाँ आज लोग उन्हें मना करते हैं पढ़ने के लिए मना करते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उनके पेरेंट्स से, उनके माँ बाप से, उनसे निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, उन बच्चों को खूब पढ़ा लिखाएं जिससे कि वो आगे अपने देश का भविष्य नाम रोशन करें। एक क्वेश्चन है, मुझे आखिरी क्वेश्चन होगा, मैं लीग से हटके पूछता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक संस्था चला रहे हैं तो आपके लोगों की विचारधारा बहुत ज़रूरी है। आए दिन पुलिस खुलासे कर रही है जो नए युवक हैं, जो नए एजुकेटेड लड़के हैं, वो क्राइम में जुड़ रहे हैं। क्या कारण है कि आज का नए युवा क्राइम की तरफ झुकता जा रहा है? इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? 15 अगस्त पर आप क्या मैसेज देने जाएंगे शासन प्रशासन और अपनी नई युवा पीढ़ी को? मैं तो सभी देशवासियों को यही मतलब संदेश देना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर थोड़ी सी नज़र रखें, वो अगर गलत कार्य कर रहे हैं उनको गलत कार्य करने से रोकें, यही संदेश है मेरे लिए। बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छे वाक रॉकी जी के। कहीं ना कहीं माँ बाप को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, समस्त जिम्मेदारियाँ प्रशासन नहीं उठा पाएगा, कहीं ना कहीं हमें भी सहज होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो रूढ़वादी सोच भी तोड़नी पड़ेगी कि हम बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे या बेटियों को हम सीमा में रखेंगे। आज सरकार तरह तरह के कानून लेके आ रही है, तरह तरह की योजनाएँ लेके आ रही है, वो सब बेटियों के लिए और आम बच्चों के लिए हैं। लड़का लड़की एक समान समझते हुए मैं समस्त देशवासियों को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो, आप सही में कहीं ना कहीं भारत के बाग विधाता हैं, आप उन बच्चों का भविष्य बनाती हैं। क्या उद्देश्य रहता है इस समस्ती में आना, इस रूरल एरिया में आके पढ़ाने में? मैं यहाँ काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ, मतलब ऐसा होता है हम कहीं भी जाएँ एक दिन दो दिन तीन दिन तो वहाँ से हमारा एक रिलेशन बन जाता है, जैसे माँ और बेटे का होता है और भाई बहन का होता है, वैसे एक टीचर स्टूडेंट का एक रिश्ता होता है, जो कि वो रिश्ता इतना अच्छा होता है कि वो हमेशा एक अच्छी तरीके से रहता है। तो ऐसे मेरा इन बच्चों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है 4-5 साल का। एक त्यौहार आता है हमारे पे गुरु पूर्णिमा, गुरु धन पूर्ण धन माँ, यानी गुरु पूर्णिमा, एक गुरु ही पूर्ण माँ होती है, एक माँ ही पूर्ण गुरु होती है। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप वास्तविक गुरु पूर्ण माँ हैं, जो ना आपने इस बच्चों के लिए सोचा है। 15 अगस्त पर इन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है और समाज के लिए क्या मैसेज है? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, कि जो पेरेंट्स अपने बच्चियों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा सोचा है, यहाँ के लोग सोच खैर इतनी अच्छी सोचते नहीं है अपने लड़कियों के लिए, लेकिन मैं उन लड़कियों का सभी का सपोर्ट करती हूँ। कोई भी हो, मुझे लड़कियों के लिए कुछ भी करना पड़े मैं हर कदम उठाने के लिए तैयार रहती हूँ। आपने एक बात कही, यहाँ के लोग इतना अच्छा सोचते नहीं है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानती हैं? यहाँ की अज्ञानता, यहाँ का माहौल, यहाँ की अनएजुकेशन या यहाँ का प्रशासन? यहाँ पे अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा हैं और यहाँ पे माहौल उसका बहुत ज़्यादा। हमने अपनी एक मैगजीन में आर्टिकल लिखा था, हमने उसमें लिखा था कि भारत में 90% समस्याओं का हल केवल एक है, वो है नॉलेज, वो है ज्ञान। मैं एक बार फिर यहाँ भारतीय जन कल्याण के बैनर के तले होकर ये कहूँगा कि समस्त लोग अपने बच्चे के मौलिक अधिकारों में उसकी शिक्षा का अधिकार को समझें, उसे कम से कम उसके मौलिक अधिकार से वंचित न रखें, उसे पढ़ाएं। तमाम योजनाएं चल रही हैं और जैसी बहुत सारी इकाइयां हैं, संस्थाएं जो हम लोगों को सपोर्ट करती हैं। एक बार फिर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई हो और आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। जय भारत।